सवाल यह है कि क्या यूपी में अपराधी बेकाबू हो गए हैं? हर रोज एक के बाद एक वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ खास नहीं कर पा रही। प्रियंका गांधी ने यूपी की तुलना जंगलराज से की, तो वहीं अखिलेश यादव का यह आरोप है कि यूपी में सरकार अब बीजेपी के हाथ से निकलकर अपराधियों के हाथ चली गई। गोरखपुर में एक परिवार के आंसू नहीं थम रहे, तो इधर कानपुर में एक महीने से एक परिवार खून के आंसू रो रहा है। यूपी के जंगल राज में इन दोनों परिवारों के चराग बुझ गए हैं। यूपी पुलिस की साख को बट्टा यूं ही नहीं लगा, उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। बिकरू कांड के भी बाद कानपुर की पुलिस सोती रही। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का दफ्तर से लौटते वक्त अपहरण हो गया। यूपी पुलिस का निकम्मापन देखिए कि घर वालों से फिरौती की रकम भी फेंकवा दी और ना संजीत को बरामद कर पाई और ना ही वक्त पर अपहरणकर्ताओं को। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संजीव यादव के परिवार से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। एक बार फिर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर पुलिस हमारे भाई को जिंदा नहीं खोज पाई तो कम से कम डेड बॉडी तो खोजें। बस मैं, मुझे न्याय चाहिए मेरे भाई के हत्यारों, मेरे भाई के जितने भी हत्यारे हैं सबको सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को न्याय मिल जाए। उसको जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम हमारे सामने उसकी बॉडी तो ला के हमें दे दे, हमारी यही मांग है। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे, हम बार बार इसको देखो उठाएंगे, तो बात करेंगे, आपकी राजनीति की बात नहीं है, मैं अपने दिल से कह रही हूँ, हम आपके साथ किसी भी तरह से हम मदद करेंगे। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया है, नए कप्तान आ गए हैं। उन्होंने संजीत यादव के घर वालों से वादा किया है कि वो अपहरण और मर्डर केस में सच सामने लाएंगे। अब इंतजार है कि वो दिन कब आता है, क्योंकि कानपुर पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात कर रहे हैं, तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। मान लीजिए कानपुर में पुलिस से गलती हो गई, तो फिर बुलंदशहर में क्या हो रहा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है लेकिन पुलिस अब तक अता पता नहीं लगा पाई है। अब ड्रोन कैमरे से खोजी अभियान चलाया जा रहा है, बस पुलिस के पास एक ही जवाब है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हमको इम्पोर्टेंट क्लूज इंस्पेक्टर में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर रखा है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अब यूपी में सरकार बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक।